गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गाज़ा। तो आज तारीख है 7 अप्रैल 2021, सुबह के 6:30 हो रहे हैं और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। अभी भी हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, आज तीसरा दिन है स्नोफॉल का। ये ऊपर छत में से बर्फ गिराई जा रही है, सूरज निकल गया है और सुबह के 8:15 बज गए हैं। ठंड बहुत है। तो ये कुछ ऐसा हिसाब है। तो ऊपर से गिराई जा रही है स्नो। हेलो, पैरों में। ओह माय गॉड, आज हेलो, गुड मॉर्निंग। वो स्पीति रिवर उस तरफ है। तो कुछ ऐसा मौसम बन रखा है यहाँ पे, पूरी रात स्नोफॉल हुई है। एक्चुअली परसों, कल और आज तक स्नोफॉल हुई रही थी। तीसरे 3 दिन बाद मैं सूरज को देख रहा हूँ। ये है मोहित भाई, मयंक भाई, मोहित भाई, साहिल भाई। आज भाई बलजीत के साथ स्टे हुआ था, बड़ा मजा आया भाई। रात को, रात को यहाँ रुके थे भाई, आगे थे कल तो रात को साथ में रुके थे। तो भाइयों को जाना था तो हिकिम कॉमिक, बट आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और हमें जाना है जल्दी दिल्ली। हाँ तो दिल्ली जाना है, तो भाई अभी भी जा रहे हैं दिल्ली। तो नाइट स्टे तो पियो के लिए, पियो के लिए निकलेंगे। अच्छा, रिकॉन्ग पियो के लिए निकलोगे। हाँ सही है यार, जितना खींच सकते जितना खींचेंगे। बाकी अब गाड़ी को भी आधा घंटा लगेगा स्टार्ट होने में। ये तो है, तब तक दोस्त लेके आगे फोटो खींचते हैं। बड़ा ही प्यारे स्टे। अच्छा, दम दो मतलब ठीक ठाक। अच्छा तो किन्नौरी भाषा ये, और आपने एक और बोला था क्या जी? इसका मतलब आलस तो मतलब कैसे हो। ओके, और अगर हेलो बोलना तो हेलो, हेलो तो ऐसे नॉर्मली बोलते हैं। अच्छा, हेलो ऐसे बोल देते हैं। और हाँ मतलब हेलो को किन्नौरी भाषा में नमस्ते जैसे, नमस्ते।
अच्छा जूले ही है। शेर शाह ना, शेर शाह उसकी बहुत सुंदर। वाह बहुत सुंदर, क्या बताया आपने? शेरी 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 सस्ता। ओके इशारे बोल सकते हैं। ओके ओके थैंक यू। थैंक यू कैसे बोलते हैं? धन्यवाद को थैंक यू सर, इतना मेरे को याद नहीं आ रहा ना, क्योंकि मैं खुद भी किन्नौर का हूँ नहीं। अच्छा, मैं बॉर्डर का। अच्छा अच्छा, मतलब लाहौल स्पीति और किन्नौर के बॉर्डर से? नहीं नहीं, रामपुर। अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, हमारा बॉर्डर लगता है ना, जैसे उसे परे सर जाएंगे, ऊपर पहाड़ नहीं, ऊपर पांच चोटी पड़ेंगे, किन्नौर आ जाएगा। ओके ओके, सरामशन बॉर्डर में आता है। अच्छा, थोड़ा बहुत किन्नौर जानता हूं, रिश्तेदारी है ना किन्नौर में मेरे। अच्छा, मेरी बुआ जी वगैरह है, मापो वगैरह। ओके, तब जानता हूं किन्नौर। वो बस वाला मिला जो गया था, वो बोला कि हम वापस मोड़ लाए आगे, रास्ता ही नहीं है, बस ही नहीं गई, तो गाड़ी आ जाएगी। तो आप यहीं से आगे वापस? हाँ, तो बस वाला मिल गया रास्ते में, दो तीन किलोमीटर गए हुए हम। कैसे हो भैया जी, कैसा रहा फिर आप लोग का? एक नंबर का रहा। गए थे बट अगर रास्ता ब्लॉक है तो वापस आ गए हैं। तो सनसेट हो चुका उस तरफ, बहुत ही प्यारी कलर शेड्स बन रही है। अरे अरे भाई आराम से। बस कैश कम है और एटीएम में कार्ड डिस्पेंस नहीं हो रहा है। काजा में एक एटीएम है तो अभी इसमें तो कैश है नहीं। तो अभी मैंने क्या किया है, एक शॉप पे जाके वहाँ पे मैंने गूगल पे कर दिया 1050 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ कैश ले लिया। तो अगर कहीं आप फंस जाते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, ये ना किया, स्टार गेजिंग नहीं करी तो क्या किया। हाँ ये तो है। खैर पिछले तीन दिन से तो स्नोफॉल हो रहा था तो बॉन फायर पॉसिबल था नहीं। हाँ जी, मैं कह रहा पिछले तीन दिन तो स्नोफॉल हो रहा था, बॉन फायर पॉसिबल नहीं था, बट अब बारिश थी, स्नोफॉल बुरे हाल हो गया। मैं सोच रहा था लेकिन टाइम ही नहीं मिला, लड़के भी कल ही पहुँचे। ओके, के 9 बज गए हैं और मैं सामान पैक कर रहा हूँ अभी, क्योंकि सुबह 4 बजे मेरे को यहाँ से जाना है रिकांगपियो के लिए। और एक्चुअली बस सुबह जाती है 7-7:30 बजे जो शाम को बन जाएगी, और एक्चुअली बस का पता भी नहीं आज क्योंकि रास्ते बंद थे, तो बस जाएगी या नहीं जाएगी। एंड सेकंड थिंग, मैंने एक भाई से बात कर ली है तो सुबह वो 4 बजे जाएंगे ट्रेलर गाड़ी पे, तो वो लगभग 11-12 बजे तक मुझे पहुंचा देगी रिकांगपियो पे। देन वहाँ से या तो मैं आगे शिमला जाऊँगा या तो कल्पा रुकूँगा जो कि रिकांगपियो से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे है। और सामान सब पैक कर रहा हूँ मैं अभी, एंड सुबह जल्दी उठ के जाना है। ओके बाय, गुड नाइट।